know any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... एक मिनट, प्लीज। माननीय सदस्यगण, सर, माननीय सदस्यगण, एक मिनट, प्लीज बैठिए, सब बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि पुरस्तातित किए जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए आप प्लीज बैठिए रूल 72 के अंदर एक मिनट प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए बैठिए नो प्लीज बैठिए अभी बात सुनिए पूरी बात सुनिए अभी प्लीज बैठिए बैठिए देंगे एक मिनट बैठिए आपका नाम होगा तो देंगे लिस्ट में एक मिनट प्लीज रूल 72 के अंदर यदि किसी विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को संचित वक्तव्य दिए जाने की आज्ञा परमिशन देने के बाद अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न रखा जाएगा परंतु जब इस प्रस्ताव पर इस आधार पर विरोध किया जाए कि वो विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायन क्षमता लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी से परे हो तो अध्यक्ष द्वारा उस पर चर्चा की परमिशन दी जाएगी मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं रूल के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें दूसरे को और जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे निश्चित रूप से देंगे ठीक है मियां अल्ताफ अहमद मियां जी चालू हो गया मेरा चालू हो गया सर जी सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं ये बात इस हाउस को सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है आप इस तरह की बिले लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं ऐसी चीजें मत कीजिए इस मुल्क को मतहद रखिए तब ये मुल्क तरक्की करेगा शुक्रिया सर थैंक यू सर सर वी रेज टू oppose the introduction of this bill. There are a lot of concerns of the Muslim community. So we want the Muslim community to be taken into consideration before this bill goes any further, sir. I totally agree with the concerns raised by OACG. I think they need to be addressed. Thank you for this opportunity. P. Subbarayan. P. Subbarayan. Speaker, sir. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இந்த பில்லை நான் முழுமையாக வலிமையோடு எதிர்க்கிறேன்
இது அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. நான் தங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது, இயற்றப்படுகிற சட்டம் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமானதாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுகிற கடமையும் தங்களுக்கு உண்டு. எனவே இது அரசியல் சட்ட அடிப்படையில் செல்லத்தக்கதல்ல என்பது தெளிவாக தெரிந்ததற்கு பின்னரும் இதை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் இவர்கள் ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை வழிநடத்துவதற்குரிய தகுதியை இழந்து விட்டார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. என அது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக குறிவைத்து இஸ்லாமியர்களை தாக்குகிற போக்குத்தான் இது. தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் மதிப்பற்ற அதிக உயிர்களை பலி கொடுத்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தான். அந்த இஸ்லாமியர்களை தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கு பெறாதவர்கள் குறிவைத்து வேட்டையாடுவது. श्रीकांत शिंदे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर. ये बिल, जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी. मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं. यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुलजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था. तभी इनको पता नहीं चला.